आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। खबर औरैया जिले से है, जहां भाजपा के जन समर्थन में रैली करने के लिए जिले में अलग अलग जगह पर दो जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले की सरकारों में विकास कहां होता था। नौकरी में भर्ती के नाम पर एक खास परिवार के लोग वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पारदर्शी होकर युवाओं को नौकरी दी है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णायक फैसला लिया है। कोरोना काल में जीवन के पर्याप्त साधनों को भी बरकरार रखा और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। अखिलेश यादव ने रविवार को फिरोजाबाद के सिरसागंज में सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि इस सीट से मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हरिओम यादव भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सिरसागंज में अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री का पसंदीदा जानवर सांड खेतों में घूम रहा है, यह चुनाव सांडों को भगाने का है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद इनके नेता और कार्यकर्ता ठंडे हो गए हैं। भाजपा के लोग उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया है। यहां उन्होंने लद्दाख में चीन के सैनिकों के संबंध में राहुल गांधी की टिप्पणी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अखबार में खोजी पत्रकार ने लिखा है कि चीन में 38 से 50 सैनिक मारे गए हैं। राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के पराक्रम पर सवाल उठाकर उनका अपमान किया है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर धारा 370 समेत राफेल विमान लाते उस पर ओम लिखने जाने का भी जिक्र किया। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि रायबरेली में अमरपाल मौर्य की जीत होगी। रायबरेली में सदर सीट से भाजपा की प्रत्याशी अदिति सिंह की आपत्तिजनक फोटो वायरल होने में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को कोसा और जानकारी मिली है कि यह फोटो हिंदी के बड़े अखबारी ग्रुप की वेबसाइट पर लगाई गई है। आज का चुनावी पोस्टर कालम के तहत अदिति का मीम बनाकर उसके साथ आपत्तिजनक कैप्शन लिखा गया है। हालांकि वेबसाइट ने अब इसे डिलीट कर दिया है। दूसरी तरफ से अदिति सिंह कल से वेबसाइट की स्क्रीनशॉट को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। अदिति सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर उनके खिलाफ साजिश किए जाने का आरोप लगाया। अदिति सिंह ने इस मामले को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसे लेकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। किसी भी महिला के साथ मैं राजनीति में हूँ, अपना काम कर रही हूँ, सही और गलत की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो क्या ऐसी चीजें, ऐसे ट्वीट करना आप लोगों को भी कहीं से अच्छा लग रहा है? क्या अन्य लोगों की कोई बहन बेटियां नहीं होती? क्या अगर आपकी घर की किसी महिला की फोटो मेरी तस्वीर की जगह होती, क्या ये अच्छी बात है? मैंने तो कभी ऐसी कोई किसी भी प्रतिद्वंदी के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करी। आपको अगर राजनीतिक रूप से आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है, तो आप बहस करिए मुझसे, आप सबूत मांगिए, आप बात करिए, आप चुनाव लड़िए, आप जीत के आइए, जो भी आपको करना है आप करिए, स्वागत है। ये लोकतंत्र है, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं है। आप राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रविवार को मैनपुरी के घीघोर थाना परिसर में बैठक हुई, जिसमें थाना प्रभारी पहलवान सिंह ने कहा कि किसी भी तरह का कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन ना करे और किसी दूसरे का वोट ना डाले, केवल अपना वोट डाले, अपने घर जाए, अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना करे। साथ ही चौकीदारों से कहा कि अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करे तो तुरंत उसे पुलिस को सूचना दे।
फिरोजाबाद की सदर विधानसभा के पीडी जैन इंटर कॉलेज में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। यहां ओवैसी ने एक जनसभा की। जनसभा में जन अधिकार से बाबू सिंह कुशवाहा ने ओवैसी को मंच पर देखते ही उनके समर्थनों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने फिरोजाबाद में कोई विकास का काम नहीं किया है। वायरल फोटो को लेकर जहां सदर विधायक अदिति सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रेस वार्ता करके कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। शहर के तिलक भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने वायरल फोटो को लेकर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन को सजाती है और संवारती है, न कि पोस्टरबाजी पर विश्वास करती। सदर भाजपा प्रत्याशी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही हैं। अब जब चुनाव आ गया है तो जनता यह जानना चाहती है कि अदिति सिंह ने क्षेत्र में कौन सा विकास किया है। जो हमारी भाजपा के सदर विधायक सदर की प्रत्याशी भाजपा की प्रत्याशी जो अदिति सिंह ने, इन्होंने एक आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर, कि पोस्टर, एक कथित पोस्टर को लेकर के आरोप लगाया है। मैं इनके जो इनके अदिति सिंह के बयान की निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है कि उसने इस तरह की पोस्टरबाजी पर विश्वास कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है। हमेशा से विकास की बात किया है, जनता की बात किया है, विकास के मुद्दों की बात किया है। और जो अदिति सिंह, चूँकि ये भाजपा की प्रत्याशी हैं, भाजपा का कोई जनाधार इस समय नहीं है, लोग परेशान हैं, गांव में, शहरों में, कस्बों में पूरी जनता परेशान है। वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, इन्होंने पोस्टर में उलझाने के लिए जनता का कुत्सित प्रयास किया है, लेकिन ये अपने मंसूबों पर कदापि कामयाब नहीं होंगी। केवल उस सहानुभूति लेने के चक्कर में इन्होंने ऐसा बयानबाजी किया है। पूरी तरह से उसका खंडन करता हूँ। कांग्रेस शुरू से स्वच्छ राजनीति करती रही है और विकास की राजनीति करती रही है। अगर ये आरोप लगाए भी हैं तो इसकी सीधी सी बात है, आप इसका जांच कराइए और हमको, या तो आपने आरोप लगाए हैं तो इसके तथ्य पता करिए, किसने कैसे लगाया, कांग्रेस ने, हमारी कांग्रेस ने कैसे लगाया या कहां से ये आया, ये तो पता चल सकता है। और मैं कहता हूं कि इसका मुझे प्रूफ चाहिए, हम लोग को इसका प्रूफ चाहिए कि हाँ ये ऐसा हुआ है। अगर ये कांग्रेस ने किया है तो इसका प्रूफ दे दीजिए, और अगर इसका प्रूफ नहीं होता तो फिर कांग्रेस आप पे मानहानि का मुकदमा करेगी, क्योंकि ये गलत चीजें हैं। आप ये, हम लोग किसकी बात करने यहाँ पर आए हैं, हम बात करते हैं विकास की। हम अगर इन्हीं सब में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी क्षेत्र में लगातार दौड़ रहा हूं और अभी भी अचानक मेरे को बोला गया कि पीसी है। अगर हम ये पीसी करते रहेंगे तो हम जनता के बीच में कब रहेंगे? यही मैं बदलाव चाह रहा हूं। इस तरह की चीजों को खत्म करके हम विकास की बात क्यों नहीं करते? इन 5 सालों में हुआ क्या है उसकी बात क्यों नहीं करते? जनता से सीधे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको क्या परेशानियां हैं, उनके बीच में रह के उनसे बात करिए, उनके मुद्दों पे ध्यान दें, हम उन पे कंसंट्रेट हों, ना कि इन सब चीजों पे हम अपना झुकाव दें कि कभी ये हो रहा है, कभी पोस्टर, कभी इधर परिवारवाद। इनसे बाहर निकल के हम जनता की समस्याओं को सुने, कि हम यही सब करते रहेंगे। अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी व बहुजन समाज पार्टी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी ने आज कुनबा बढ़ा लिया है। दो प्रभावशाली नेताओं को सम्मिलित करते हुए संदेश दिया गया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता राकेश सिंह तिड़की अपने 1000 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी तारून के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नेता सूरज तिवारी ने भी अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पहुंचकर सपा की सदस्यता ग्रहण की है। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य पारसनाथ यादव, सपा प्रत्याशी अभय सिंह, सपा नेत्री रोली यादव भी मौजूद थी। संस्था ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार तानाशाही है। उठाते रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय आधार पर अत्याचार, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों का हक छीना जा रहा है,
सारे मुद्दे ही तो मुद्दे हैं, इन्होंने किया क्या है? कुछ नहीं किया जनता के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, छात्र के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। कोई भी एक काम क्या बताइए, 5 किलो राशन देते हैं, चुनावी घूस है वो। सपा प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन से पहले सपा के जिला कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मझुआ विधानसभा से डॉक्टर विनोद बिंद का टिकट काटकर 2 महीने पूर्व भाजपा से आए दामोदर मौर्य को टिकट दिए जाने से नाराज डॉक्टर विनोद ने सपा समर्थकों ने सपा जिला कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। समर्थकों ने दामोदर मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल 14 फरवरी को सपा जिलाध्यक्ष की तरफ से पत्र जारी कर 3 विधान सभा प्रत्याशियों के नामांकन की सूची दी गई थी। इससे मझुआ के साथ नगर विधानसभा व 96 विधानसभा शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि डॉक्टर विनोद को टिकट दिया जाए, नहीं तो हम पार्टी से इस्तीफा देंगे। मामला यह है कि हम लोग दामोदर मौर्य को जो यहां से टिकट दिया गया है उसको वापस करें और माननीय विनोद बिंद जी को यहां से प्रत्याशी बनाया जाए, नहीं तो हम सब लोग इस्तीफा देंगे, समाजवादी पार्टी को इस्तीफा देंगे। मैं लोहिया ट्रस्ट पर धरने पर इसलिए बैठा हूँ कि जो 5 साल से हर गरीब, हर परिवार, हर दुख सुख में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने पसीना बहाया, मेहनत बहाया, हर जगह हर जाके हर परिस्थितियों में साथ दिया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव ने जो है प्रत्याशी जो है मझवा से दामोदर मौर्य को बना दिया, जो कि पूरे मझवा विधानसभा को यह स्वीकार है, अस्वीकार है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से यही कहना चाहता हूँ, मझवा की मांग है डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को वापस प्रत्याशी बना के जो है कि मझवा विधानसभा में बैठने का काम करे। अलीगढ़ की कोतवाली क्षेत्र के उस्मान पाड़ा में दबंगों ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रुकवाया। सड़क निर्माण कार्य रुकवाने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय बीजेपी सभासद ने विरोध जताया तो दबंगों ने सभासद को मारपीट कर दौड़ाया और सड़क निर्माण की एवज में 20,000 रुपए मांगे। वहीं घटना की जानकारी होने पर भाजपा की पूर्व मेयर और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता पहुंचे कोतवाली। 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पर पीड़ित पक्ष आए हुए हैं और ये सूरज महार हैं और ये उधर पुल के नीचे उस्मान पाड़े में सड़क बनवाने के लिए आदेश हो गया था और सड़क बनने जा रही थी और तुर्कमान गेट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरा कहना एक है कि चौथ वसूली चाहिए इन्हें, जिसको फ्री में खाने की आदत पड़ गई है वो फ्री का खाएंगे, आदत अभी छूटी नहीं है, सपा मानसिकता ख़त्म नहीं हुई है। और उस बच्चे को घेर करके मारा पीटा, अगर वो जान बचा के वहाँ से नहीं भागता तो शायद उसकी हत्या कर दी जाती। घटना जो हुई है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, पिछली सपा की सरकार में जो गुंडे इन लोगों की चलती थी वही ये दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, अभी परसों चुनाव हुआ है 10 तारीख को, तो इनकी मानसिकता जो है वही गुंडों वाली है जो पहले सपा की सरकार में रहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं हमारे सूरज माहौर, उनका निर्माण कार्य, सरकारी निर्माण कार्य चल रहा है, गली बन रही है, तो उस गली का काम रुकवा दिया कुछ लोगों के द्वारा जो नामजद कराए गए हैं। और जब इनको सूचना मिली ये वहाँ पहुँचे तो इनके साथ में बदतमीजी की गई, मारपीट की गई और इनसे कहा गया कि आपको इस क्षेत्र में अगर काम कराना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, 20,000 रुपये चौथ के रूप में इनसे मांगे कि हमारे क्षेत्र में हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आज सुबह 11 बजे करीब मेरा वहाँ नगर निगम द्वारा कार्य चल रहा है तो मुझे ठेकेदार ने कॉल करके वहाँ बुलाया और मैं जब वहाँ पहुँचा तो कहाँ पर चल रहा आपका? ये उस्मान पाड़े के खोई चौक के पास उस्मान पाड़े में गली मिल गई, ठीक है। तो उन्होंने उस रोड को विरोध किया कि गली नहीं मिलेगी, तो मैंने सरकारी कार्य है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हूँ और सबका विकास सबके साथ है, हम तो काम करा रहे हैं, तो आपको इस बात का ऐतराज क्यों है कि नहीं ये गली हमारे कहने से बनेगी, हमारी चलती है यहाँ पर? ये कौन लोग कह रहे थे आपसे? ये तस्दीक और मुनीर वगैरह शेखू वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे थे, काफ़ी लोग थे, ये एक ही परिवार के लोग हैं, वहाँ के लोग नहीं कह रहे थे, एक घर के लोग कह रहे थे, बाकी लोग सब तैयार हैं, पर इन्होंने मुझे घेरा और घेर के मुझे खींचने की कोशिश की कि मुझे पैसे, पहले हमें पैसे चाहिए 20,000 रुपये 30,000 रुपये जब गली बनेगी,
अच्छा, ये आपसे अवैध पैसा मांगने का प्रयास कर रहे थे? मांगने की हाँ धमकी दी और मुझे खेचने घेर लिया। मुझे वो ठेकेदार आज नहीं निकालता तो हो सकता मुझे जान से मार देते। मारपीट भी हुई आपके साथ? मारपीट गई, खींच के ले जा रहे थे अपने घर में, उनका घर वहीं है उसी गली में, मुझे खींच के ले। पूर्व विधायक व सपा प्रत्याशी के कथित वायरल ऑडियो ने सर्दी के मौसम में माहौल गर्म कर दिया है। कथित वायरल वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के खिलाफ अखिल भारतीय गोंडा सभा के जिलाध्यक्ष ने खोला मोर्चा। अखिल भारतीय गोंडा महासभा के जिलाध्यक्ष है राम दुलारे ने सोनकर ने गोंड खरवार समाज के लोगों से सपा प्रत्याशी को वोट न देने का किया अपील। जितेंद्र कुमार को समाजवादी पार्टी के रक्षित विधानसभा चकिया से दिया गया है टिकट। जितेंद्र कुमार को टिकट मिलते ही चकिया विधानसभा में जमकर हो रहा है विरोध। चकिया विधानसभा में जितेंद्र कुमार का रोज फूका जा रहा है पुतला, ऊपर से वायरल ऑडियो में भी डालने का कर रहा है काम। वहीं जितेंद्र कुमार ने वायरल ऑडियो को बताया विरोधियों की साजिश। विधायक बनने पर बिकाल एक बार यह दिया टिकट नहीं खट्टे खट्टे बा 5000 5.5 खट्टे बन कुल आधा वोट भाजपा के चल जाना। खट्टे भी बना 5000 गोड़ बना 3000 मांग बना टिकट। अरे ईसाई धर्म का बना चमार वोट दिया जो सब के धर्म। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।